तो चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चों। अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो कहता है एक बबल है, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक एयर का बबल है, ठीक है ना, वो जो है अपने को वाटर में दे रखा है, ठीक है ना। मैं पिंक कलर यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो लड़कियों को पिंक बहुत पसंद है। तो ये यहाँ से देखो, तो बेसिकली अगर तुम देखोगे यहाँ से कि एक एयर बबल है जो इनसाइड है, हाँ इनसाइड है ग्लास स्लैब। तो चलो सबसे पहले ग्लास का स्लैब बना लेते हैं, दिस इज द ग्लास स्लैब। और यहाँ से एक एयर बबल को मैं देख रहा हूँ, तो मैं एक बार इस साइड से देखूँगा। और ध्यान रखना नॉर्मली देख रहा हूँ, ठीक है ना, नॉर्मली देख रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली ही हमारे सिलेबस में है। तो ये मान लेते हैं एयर बबल यहाँ पर है, एयर का बबल है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो वो ये ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे यहाँ पे इसका डॉट 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 यहाँ पे इसका इमेज दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर व्यू फ्रॉम वन साइड अपीयर 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो ये जो है वो दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा। और इसको हम बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। आई होप कि आप पढ़े हो गए अपेरेंट डेप्थ 5 सेंटीमीटर। तो रियल डेप्थ इसका कितना हुआ, रियल डेप्थ हो गया इसका एक्स, यहाँ से मान लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं दूसरी साइड से देखूँगा, तो अगर मैं इसी बबल को मैं दूसरी साइड से देखता हूँ तो क्या कंडीशन है। तो अगर अब मैं इधर से देखता हूँ इसी बबल को दूसरे साइड से देखता हूँ, तो दूसरे साइड से जब मैं देखूँगा तो ये जो बबल है वो मुझे कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है। और दिस इज़ द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलते थे बोलो, अपेरेंट डेप्थ। तो अगर अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये रियल डेप्थ है यहाँ से ये सरफेस, ठीक ना। तो दिस डिस्टेंस इज वाई रियल डेप्थ, ठीक है। तो ये अगर इस ग्लास स्लैब की जो लेंथ एल है, तो एक इक्वेशन तो मुझे यहीं मिल गया, एक्स प्लस वाई का जो सम है वो एल के इक्वल है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से, अब एक्स वाई तुम्हें निकालना है। हम सबको पता है कि यहाँ पे तुम फार्मूला रटे होगे कि जो अपेरेंट डेप्थ होता है, ठीक है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू। जब कभी भी रेयर से डेंसर देखते हैं तो अपेरेंट डेप्थ कम हो जाता है, तो रियल डेप्थ में म्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से जो रियल डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी, रियल डेप्थ मतलब एक्स की वैल्यू फर्स्ट वाले केस में म्यू टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई अपेरेंट डेप्थ। तो म्यू टाइम्स और मल्टीप्लाइड बाई अपेरेंट डेप्थ कितना, यहाँ से 5, म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब 7.5 सेंटीमीटर यहाँ से किस में दिया था, हाँ चलो सेंटीमीटर में दिया था। दिस इज़ द एक्स। तो ये अपने को x यहाँ से मिल गया। अगर x अपना यहाँ से कैलकुलेट हो गया तो चलो यहाँ से ये वाली है, दिस इज़ द x। अब एक काम करते हैं, यहाँ से y निकालते हैं। सिमिलरली जो रियल डेप्थ है दूसरे साइड से जब देखेंगे y, तो म्यू टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई अपेरेंट डेप्थ, म्यू टाइम्स 1.5 और 2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3.0 यहाँ से सेंटीमीटर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो जो एल आ जाएगा वो एक्स प्लस वाई के सम के इक्वल आ जाएगा, मतलब 7.5 प्लस 3.0 दैट इज यहाँ से 10.5 सेंटीमीटर जो है, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंटेनर, मतलब जो है सी ऑप्शन अपना सही है। थैंक यू।